गुड मॉर्निंग स्किल इंडिया स्टडी इंडिया। मेरे छात्र बंधु, स्किल इंडिया स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, इंग्लिश, आईटीआई से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और इतना ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक और इंटर के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। तो मेरे छात्र बंधु, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसको दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इंटर के 12वीं क्लास में अध्याय नंबर 4, जिसमें है जनन स्वास्थ्य। अध्याय का नाम है जनन स्वास्थ्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दो, जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत, ऑप्शन नंबर डी भारत। क्वेश्चन नंबर तीन, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए RCH, ऑप्शन नंबर बी HCH, ऑप्शन नंबर सी FCH, ऑप्शन नंबर डी SCH। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए RCH। क्वेश्चन नंबर चार, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित और स्वास्थ्य यौन क्रियाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर पांच, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए किन क्षेत्रों में किस प्रकार की कार्य योजनाओं की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए गर्भपात जनन संबंधित समस्याओं, ऑप्शन नंबर बी गर्भ निरोधकों तथा ऋतुस्राव संबंधी
समस्याओं, ऑप्शन नंबर सी बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता तथा देखभाल उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, उल्ब बेधन एमिनोसेंटेसिस जांच क्या है? ऑप्शन नंबर ए भ्रूणीय लिंग परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी गर्भ निरोधक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी यौन संचारित रोग परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी बांध्यता परीक्षण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भ्रूणलिंग परीक्षण, भ्रूणलिंग परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने किस गर्भ निरोधक की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली, ऑप्शन नंबर बी निरोध, ऑप्शन नंबर सी कॉपर टी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली, ऑप्शन नंबर ए सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, ऑप्शन नंबर बी मातृ मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर सी शिशु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या के कारण हमें भविष्य में किन मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए अन्न, ऑप्शन नंबर बी आवास, ऑप्शन नंबर सी कपड़े, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन के लिए दिया कौन सा नारा शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने अपनाया? ऑप्शन नंबर ए हम दो हमारे दो, ऑप्शन नंबर बी हम दो हमारा एक, ऑप्शन नंबर सी विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम दो हमारा एक, ऑप्शन नंबर बी हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। हाँ तो मेरे छात्र बंधु, हम बस इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज बस इतना ही तक। फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।